नमस्कार दोस्तों, मैं नीता चौहान ग्रीन फूड मैजिक में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बनाऊंगी जर्दा मीठा पुलाव। ये मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं आधे घंटे पहले, और इसको बनाने के लिए जो जो हमें सामान चाहिए, ये मैंने 5 लौंग ली हैं, 4 इलायची ली हैं, थोड़ी सी काली मिर्च ली हैं, काजू लिए हैं, थोड़ा सा नारियल लिया है, और ये थोड़ा सा मावा लिया है, 1 कटोरी चीनी है, 1 कटोरी घी है। तो सबसे पहले हम चावल उबलने रखेंगे, गैस जलाएंगे, चावल उबलने के लिए ये देखिए हमारे चावल उबल गए हैं। अब मैं इनमें से पानी निकालूंगी, छानूंगी इनको। अब हम देसी घी डालेंगे इसमें। काजू डालेंगे, काजू रोस्ट करेंगे। नारियल करेंगे थोड़ा सा रोस्ट। अब हम लौंग डालेंगे, छोटी इलायची डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, और अब चीनी डालेंगे नीचे। चीनी डाल के इसमें चावल डालेंगे। चावल ऐसे बिछा देंगे, इसके ऊपर लेयर बना देंगे चावल की। हमने पहले नीचे घी डाला है, उसके ऊपर चीनी डाली है, उसके ऊपर चावल की लेयर डाल दी है, चावल की लेयर बिछा दिया हमने। अब इसके उसको हम ढक के रखेंगे, धीमी आंच पर पकने देंगे। ये देखिए अभी ये चीनी की चाशनी बन के ये गीले हैं अभी चावल, इसलिए अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। देखिए अब हमारी चीनी की चाशनी सूख गई है नीचे से। अब हम इन चावलों को पलटेंगे, ऐसे पलटेंगे, मिक्स करेंगे। थोड़े से चावल मैं वाइट अलग निकालूंगी। मैं थोड़ा सा खोया डालूंगी। थोड़ा मावा डालेंगे इसमें। थोड़ा गोला डालेंगे। काजू डालूंगी। थोड़ा कलर ऐड करूंगी, थोड़ा ग्रीन, थोड़ा ऑरेंज, दोनों में कलर ऐड करूंगी।
देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि बासमती चावल है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू हो रही है। और हमारे ये चावल तैयार हो गए हैं, जर्दा पुलाव। अब मैं इनको सर्व करूंगी। ये हमारा जर्दा गरम गरम तैयार है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई लव माई इंडिया।